तो देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर में उन 7 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ फेसलिफ्ट कारों को कवर करूंगा, यानी जिन एग्जिस्टिंग कारों का फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है उन्हीं कारों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करूंगा। लेकिन यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। जो सबसे पहली कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है वो है एमजी हेक्टर का फेसलिफ्ट मॉडल। रिसेंटली एमजी कंपनी ने इसका टीजर वीडियो रिलीज किया था जिसके तहत आप इसका फ्रंट का फेशिया देख सकते हैं, इसके एक्सटीरियर में भी काफी बड़े चेंजेस करे जाएंगे और इसका इंटीरियर भी काफी ज्यादा अपडेट हो चुका है। इसके इंटीरियर में जो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा वो रहेगा टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। अब आपको 14 इंचेस का पोर्ट्रेट फॉर्मेट के अंदर एक बड़ा टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। ये सबसे बड़ा चेंज आपको एमजी हेक्टर के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके इंटीरियर का थीम भी चेंज किया जाएगा, डैशबोर्ड भी चेंज किया जाएगा, ये भी चीजें सामने निकल कर आ चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर आपको नेक्स्ट जनरेशन आई स्मार्ट टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि इसको आप कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, इसके अंदर भी अपडेट किए जाएंगे। इसके अलावा नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑफर किया जाएगा, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन आपको मिलेगा, सीट को भी रिडिजाइन किया जा सकता है और यहाँ पर इसके एक्सटीरियर में आपको फ्रंट की ग्रिल्स कम्प्लीटली नए देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ लाइटिंग सेटअप को भी अपडेट किया जा सकता है और इसके फ्रंट के और रियर के बम्पर्स आपको थोड़े से नए देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी अपडेट के साथ एमजी हेक्टर का फेसलिफ्ट मॉडल इस दिवाली के आसपास इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। लेकिन जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसके अंदर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे वो है एक एंट्री लेवल हैचबैक कार जो कि हुंडई की तरफ से आती है, वो है ग्रैंड i10 नियोस। हालांकि काफी लंबे समय से i10 नियोस के अंदर अपडेट नहीं आया है, अब यहाँ पर हुंडई कंपनी इसके अपडेट के ऊपर काम कर रही है। इसके एक्सटीरियर में चेंजेस करे जाएंगे, इंटीरियर को अपडेट किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर आपको नए ग्रिल का सेटअप मिल सकता है, नया लाइटिंग का सेटअप भी दिया जाएगा और इंटीरियर में आपको बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। आज के डेट में i10 नियोस के अंदर 2 पेट्रोल और 1 CNG किट दिया जाता है और i10 नियोस अच्छी खासी बिक जाती है इंडिया में। तो यहाँ पर इसका भी अपडेटेड मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, इसके अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इसको इस साल के एंड तक या फिर अगले साल के स्टार्टिंग तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसके अंदर आपको सबसे बड़ा चेंज देखने को मिल जाएगा वो है महिंद्रा की XUV300। अब इसका भी फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा चेंज किया जाएगा वो रहेगा इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के अंदर। अब XUV300 के अंदर आपको एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि होगा 1.2 लीटर वाला और ये इंजन लगभग 130 bhp की पावर आउटपुट और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो इस इंजन के साथ XUV300 इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है, लेकिन इससे पहले इसका स्पोर्ट्स मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। XUV300 के फेसलिफ्ट मॉडल के एक्सटीरियर में और इंटीरियर में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और इसको इस साल के एंड तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। तो यहाँ पर XUV300 को भी काफी बड़ा अपडेट मिलने वाला है और इसके अंदर आपको एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। जो फोर्थ नंबर की कार आती है जिसका फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा वो है टाटा की अल्ट्रोज। टाटा की अल्ट्रोज एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है, लेकिन अल्ट्रोज के फेसलिफ्ट मॉडल से पहले शायद इसका CNG मॉडल और अल्ट्रोज EV इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। और कल ही टाटा कंपनी ने टियागो EV को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, तो यहाँ पर टाटा अल्ट्रोज का EV मॉडल और CNG मॉडल इस साल के एंड तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है और टाटा अल्ट्रोज का फेसलिफ्ट मॉडल अगले साल के स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। और इसके एक्सटीरियर में और इंटीरियर में हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं फेसलिफ्ट वाले मॉडल के अंदर। वही जो फिफ्थ नंबर की कार आती है जिनका फेसलिफ्ट मॉडल आपको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा वो है क्रेटा और दूसरी है सेल्टॉस। दोनों ही कारों का फेसलिफ्ट मॉडल ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है। क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल इस साल के एंड तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और सेल्टॉस का फेसलिफ्ट मॉडल अगले साल के स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। हालांकि दोनों ही कारों के अंदर काफी बड़े चेंजेस करे गए हैं। यहाँ पर क्रेटा को ट्यूसन जैसा ही बनाया गया है, इसका फ्रंट का फीचर आपको ट्यूसन जैसा ही देखने को मिल जाएगा और इंटीरियर में भी आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। दूसरी तरफ सेल्टॉस दिखने में काफी बढ़िया लग रही है पहले के मुकाबले और सेल्टॉस का इंटीरियर आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। तो दोनों ही कारों के एक्सटीरियर में आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि दोनों ही कारों के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर आपको सेम इंजन स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है जो कि आज के डेट में दिया जाता है। क्रेटा को सबसे पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद सेल्टॉस इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। लेकिन जो लास्ट नंबर की कारें आती है जिनको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है वो है टाटा की हैरियर और दूसरी है टाटा की सफारी। दोनों ही कारों का फेसलिफ्ट मॉडल टेस्टिंग फेज में है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही कारों के अंदर आपको जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिल जाएगा
वो रहेगा इंजन स्पेसिफिकेशंस के अंदर, सेफ्टी के अंदर और इंटीरियर में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और रिसेंटली टाटा कंपनी ने जेट एडिशन मॉडल को लॉन्च किया था हैरियर के अंदर, सफारी के अंदर और नेक्सॉन के अंदर। नेक्सॉन के जेट मॉडल का रिव्यू वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, उसकी लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नया पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा टाटा सफारी और टाटा हैरियर के अंदर, जो कि रहेगा टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। और इस पेट्रोल इंजन की मदद से आपको लगभग 170 bhp की पावर आउटपुट आराम से मिल जाएगी। तो इस इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ दोनों ही कारें इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों ही कारों के अंदर आपको एडास टेक्नोलॉजी मिल सकती है। इसके अलावा आपको 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा और भी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स को इंक्लूड किया जा सकता है। ये फीचर्स बहुत सारी रिपोर्ट में मेंशन करे गए थे। तो इन बड़े अपडेट के साथ टाटा सफारी और टाटा हैरियर इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। तो यहाँ पर टाटा कंपनी इनके फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर पेट्रोल इंजन ला सकती है और पेट्रोल इंजन के साथ ही इनका फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पर टाटा सफारी और टाटा हैरियर के अंदर आपको काफी बड़े चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनका इंटीरियर आपको डेफिनेटली अच्छा खासा मिलने वाला है। तो ये 7 कारें थी जिनको बहुत ही जल्दी अपडेट मिलने वाला है। इनमें से किस कार का आप इंतजार कर रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आने वाले समय में एक अच्छी कार लेनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।